हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे आयरन लिमिटेड के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। ये कंपनी ई कॉमर्स और डेटा प्रोसेसिंग का काम करती है, जो कि आईटी से रिलेटेड कंपनी है, जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काम करती है। आयरन के रिजल्ट बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर, जो कि मंडे वन डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दें, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर अच्छे अच्छे रेडी है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे, जो कि आपके पोर्टफोलियो को एकदम ग्रीन में रखती है, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। आयरन का फ्राइडे का रेट था 16.60 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 25 रुपीज़। पी है 19 का एंड ईपीएस है 0.90 का, जो कि ठीक ठाक है। प्रोमोटर होल्डिंग है 73%, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। बात करेंगे इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में, तो मार्च 22 में जो रेवेन्यू था वो था 24 करोड़। दिसंबर 22 में प्रॉफिट जो है थोड़ा रेवेन्यू है थोड़ा घटकर हो गया 23.50 करोड़, और अभी मार्च 23 में आया है 23 करोड़, 24 करोड़, 23 करोड़ 50 लाख और 23 करोड़। तो रेवेन्यू थोड़ा ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें घटते हुए देखने को मिल रहा है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, मार्च 22 में नेट प्रॉफिट था 3 करोड़ 1 लाख रुपीज़, दिसंबर 22 में था 2 करोड़ 90 लाख रुपीज़, और मार्च 23 में आया है 2 करोड़ 58 लाख रुपीज़। तो 3 करोड़ 2 करोड़ 90 लाख और 2 करोड़ 58 लाख, तो देखा जाए तो प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। तो इस रिजल्ट को हम लोग कहेंगे एवरेज रिजल्ट, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकली रेवेन्यू और प्रॉफिट घटे हैं, बट थोड़े घटे हैं ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आयरन लिमिटेड का जो रिजल्ट है एवरेज आया है। इस शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद हम नहीं कर सकते, मार्केट ऊपर जाएगा जब ये शेयर थोड़ा बहुत ऊपर मूवमेंट करेगा, और जब मार्केट नीचे जाएगा तो ये शेयर नीचे ही जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद हम इसमें नहीं कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।